अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके सारे क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्लासिफाई हो सकता है। तो पहला आता है बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ फोकस, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन आता है, पहला क्लासिफिकेशन आता है वो आता है बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ इंटरफेस और इंटरफेस। एक और आता है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, ठीक है। एक पांचवा होता है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। बेस्ड ऑन इंटेंसिटी और एक और टाइप होता है छठा, और ये सबसे लास्ट टाइप होता है, ये होता है बेस्ड ऑन पिक सेंटर डिस्टेंस। बेस्ड ऑन
सिंपल डिस्टेंस के आधार पे तीन कैंडिडेट होता है। एपिक सेंट्रल के आधार पे तीन टाइप का होता है। पहला होता है जो इसमें वो होता है लोकल, रीजनल एंड रिमोट। ये आपको होता है लोकल अर्थ पे, दूसरा रीजनल और तीसरा रिमोट। ये आपके टोटल अर्थ पे की क्लासिफिकेशन है। इतने टाइप्स के सिर्फ आपके क्वालिफिकेशन, ये इतने टाइप्स के सिर्फ आपके यही पढ़ने हैं, ठीक है? सिर्फ आपके यही पढ़ने हैं टाइप्स के। ये जो आपके अर्थ हुए थे, ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ हुए कि इनमें क्लासिफिकेशन है। अब इन सारे क्लासिफिकेशन के बारे में आपको वन बाय वन बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ फोकस। पहला आता है बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ फोकस। इसके बारे में स्टडी करते हैं, फोकस के बारे में स्टडी करते हैं, इन सारी चीजों से स्टडी करते हैं, फिर वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो बाकी को क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब हम आपको आगे बताते हैं। अब इसमें हम वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है? तो पहले हम देख लेते हैं, यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि सैलो अर्थक्वेक क्या होता है। जब हमारा जो भूकंप होता है, भूकंप का जो हमारा फोकस होता है, जो फोकस की डिस्टेंस जो होती है वो 60 किलोमीटर तक होती है, ठीक है? जमीन के, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, फोकस क्या होता है, ये हमारा सतह है, ये हमारा पृथ्वी का सतह है, ये हमारा मूल बिंदु है, जहां से जो अर्थक्वेक है वो जनरेट होती है, ये फोकस होता है। फोकस इसको बोलते हैं आपके बायो सेंटर बोलते हैं फोकस बोलते हैं आपको या फिर इसको बायो सेंटर बोलते हैं। यहां से अर्थक्वेक जनरेट हुआ और पृथ्वी पे यहाँ पे आके क्या हुआ, पृथ्वी पे यहाँ पे आके टकराया, ठीक? तो इसकी जो डेप्थ होती है उसके आधार पर डेप्थ ऑफ फोकस, तो जब ये 60 किलोमीटर तक होता है, जब ये जो डिस्टेंस होता है वो 60 किलोमीटर तक होता है, तो इसको हम शैलो फाउंडेशन में काउंट करते हैं, ठीक है? पृथ्वी के केंद्र से 60 किलोमीटर तक होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से लेकर 60 किलोमीटर तक का जब एरिया होता है, डेप्थ होता है, तो इसको हम बोलते हैं शैलो फाउंडेशन। और ये जब 60 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक हो जाता है तो इंटरमीडिएट हो जाता है, 60 से लेकर 300 किलोमीटर तक हो जाता है, तब ये क्या हो जाता है, ये इंटरमीडिएट फाउंडेशन हो जाता है। और डीप फाउंडेशन क्या होता है, 300 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ होती है। अब बात आती है कि शैलो फाउंडेशन, शैलो अर्थक्वेक क्या होते हैं, ये जो भूकंप होते हैं ये काफी ज्यादा देखे जाते हैं, ऐसे भूकंप काफी ज्यादा आते हैं और इनका जो इफेक्ट होता है वो काफी कम होता है, ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उसके बाद जो इंटरमीडिएट भूकंप होते हैं, इंटरमीडिएट वाले जो भूकंप है ये भी काफी ज्यादा मात्रा में, सॉरी ये जो है काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं, इंटरमीडिएट वाले जो है काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और उसके बाद है डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन ये बहुत ही कम और बहुत ही रेयर देखे जाते हैं, ठीक है? तो ये आपका पहला हो गया। अब उसके बाद आता है कि मैग्नीट्यूड के आधार पे अर्थक्वेक को हम कैसे बांट सकते हैं। तो हमारे पास जो स्केल है, जो हमारे पास रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल पे हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, ठीक है? इन सारी चीजों को हम किस पे मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल पे।
सारे रीजंस आते हैं जो मैन्युअल होते हैं, और ये कैसा प्रोसेस है, ये नेचुरल है, ये तरह से नेचुरल है। इसमें भी टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ह्यूमंस की वजह से ही दिक्कत आ रही है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी क्या होता है, ये नेचुरल है। नाम टेक्टोनिक में क्या है, जैसे कि हम मंकी टेस्टिंग करते हैं, एक्सप्लोजिव टेस्टिंग करते हैं, और बहुत सारे जो नाम के विखंडन है, नाम के संलयन है, अदर अनदर चीज़ों का जो भी चीज़ होता है, ठीक है, जो रॉक्स को हम लोग तोड़ते हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो भूकंप आते हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं, आते हैं, ठीक है। अगला आता है बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के आधार पर। तो लोकेशन के आधार पर दो तरह से होता है, इंटरप्लेट होता है, इंट्राप्लेट होता है। इंटरप्लेट का मतलब क्या है, इंटरप्लेट जो हमारा होता है, यह जो होता है इंटरप्लेट क्या होता है कि जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के जो बाउंड्री होते हैं, जो बाउंड्री होते हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्री पर होते हैं, ठीक है। तो जो इंटरप्लेट होता है, इस ऐसे जो अर्थक्वेक हैं 99% अर्थक्वेक यही आते हैं, और ये जो अर्थक्वेक होते हैं जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्रीज होती है वहाँ पर आते हैं। अब जो इंटरप्लेट आता है, रिमेनिंग 1% अर्थक्वेक इंट्राप्लेट से आता है, और ये जो वर्कअप होता है, ये जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट होता है, टेक्टोनिक प्लेट के कहीं बीच में ये अकर होता है, टेक्टोनिक प्लेट में कहीं बीच में अगर तोड़ फोड़ हुआ है या फिर कोई दिक्कत हुई या बीच में कोई हलचल हुई है तो उसकी वजह से आता है। अगला आता है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी कहने की बात यह है कि तीव्रता, कि भूकंप से कितनी तबाही आई है, भूकंप से कितनी तबाही आई है, कितनी तबाही नहीं आई है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम विजिबल विजिबिलिटी से देखेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, विजिबल हो गया, इसको कैसे देखें, विजिबल हो गया, आंखों से देख के पता लगाते हैं कि भूकंप कैसा है, कैसा नहीं है, क्या इसका इफेक्ट है। अब उसके बाद आता है इपिक सेंट्रल डिस्टेंस। इपिक सेंट्रल डिस्टेंस आता है, इपिक सेंट्रल डिस्टेंस जो होता है, एक सेकंड, इपिक सेंट्रल डिस्टेंस हम आपको बता देंगे, आपका फोकस है जब भी जहां पर, इसको हम बोलते हैं इपिक सेंटर, इपिक सेंटर, इसको हम इपिक सेंटर बोलते हैं। अब अगर हमारी बिल्डिंग यहां, हमारी बिल्डिंग यहां है, तो अर्थक्वेक यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा, तो ये जो बीच का डिस्टेंस होता है यही हमारा कहलाता है इपिक सेंट्रल डिस्टेंस। ये हमारा क्या होता है, इपिक सेंट्रल डिस्टेंस। तो इपिक सेंट्रल डिस्टेंस के आधार पर तीन तरह से होता है, लोकल होता है, रीजनल होता है, रिमोट होता है। लोकल का मतलब क्या है, ये जो भूकंप होते हैं इनका जो प्रभाव होता है, इनका जो इफेक्ट होता है वो कहाँ तक होता है, वो एक डिग्री तक होता है, ठीक है, यहाँ से एक डिग्री तक होता है। दूसरा वाला क्या है, एक से लेकर 10 डिग्री तक होता है। रीजनल में क्या होता है, एक से लेकर 10 तक होता है, और इसमें क्या होता है, मोर देन 10। तो ये तीन अलग अलग चरित्र तरीके से होता है। पहला लोकल में क्या होता है, लोकल में अगर भूकंप आया तो एक डिग्री तक ही डिफ्लेक्ट कर सकता है, ऐसे या तो एक डिग्री इस तरफ मूव करके चले या तो एक डिग्री इधर मूव करके चले। लेकिन अगर ये रीजनल होगा तो 1 से 10 डिग्री के बीच में इसका इफेक्ट होगा, और जो रिमोट होगा, ये रिमोट में क्या हो सकता है, ये 10 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना, 10 डिग्री से ज्यादा भी दूर के एरिया को प्रभावित करता है। तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिए 2 मिनट में, उसके बाद फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है।
ठीक है आगे आते हैं नेक्स्ट बात है ठीक अब हम आगे आते हैं कॉजेस क्या थे क्यों आता है कि कॉजेस क्या है ठीक है कॉजेस ऑफ प्रेगनेंसी रीजंस ऑफ या फिर आप कॉजेस बता सकते हैं कॉजेस ऑफ तो जैसे कि हमने बताया है कि जो मेंटल होता है हमारा जो मेंटल है जैसे
तो ये क्या है, भूगर्भीय चट्टाने बनती है। जो चट्टाने यहाँ पर अवेलेबल है, इन चट्टानों में हमेशा क्या है, हलचल होती रहती है, हमेशा इनमें मूवमेंट होती रहती है। इनमें मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये पृथ्वी कुछ सिकुड़ती है, यानी ये ज्यादा बना है। पृथ्वी क्या होती है, कुछ ऐसे सिकुड़ने का कोशिश करती है, कुछ अंडाकार, आप जानते हैं पृथ्वी अंडाकार से क्या करती है, सिकुड़ती है। सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, ये अर्थवेव के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, पहला आपका पटल संकुचन है। दूसरा रीजन जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, मैग्मा या ज्वाला या फिर आप इसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी। या फिर ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मैग्मा। ये क्या होता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या है, काफी ज्यादा ठोस है, लेकिन अंदर क्या है, पिघली हुई अवस्था में सारी चीजें। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ऊपर से तो काफी सारा ज्यादा ठोस है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जब आप कोर में देखेंगे या मेंटल में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें पिघली हुई अवस्था में, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जब ये चीजें यहाँ से रिलीज होती है, जब ये चीजें क्या करती है, यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा मैग्मा या लावा के फॉर्म में रिलीज होती है। इनसे भी क्या है, काफी ज्यादा मात्रा में वाइब्रेशन जनरेट होता है, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगला रीजन जो होता है वो प्लेट से तीसरा रीजन होता है, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक, जैसे कि मैंने आपको बताया है, बताया भी आपको बताया था, प्लेट टेक्टोनिक। मैंने आपको बताया प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक में क्या होती है, जो हमारी पृथ्वी है, एक साइंटिस्ट है, अल्फ्रेड, एक साइंटिस्ट अल्फ्रेड WEG वेगनर, इन्होंने क्या बताया, 1915 में इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या होती है, अनेक छोटे छोटे, जैसे फुटबॉल हमारे होते हैं, फुटबॉल में क्या होते हैं, फुटबॉल में पैचेस लगे होते हैं, पृथ्वी भी हमारी क्या है, अनेक छोटे छोटे पैचेस से मिलती बनी हुई है, अनेक छोटे छोटे क्या है, पैचेस से मिलती बनी हुई है। इन्होंने एक पैच को नाम दे दिया, जो आपका यहाँ पे एक पैच था, एक पैच को नाम दे दिया कि क्या है, ये टेक्टोनिक है, ये क्या है, हमारा प्लेट है, ये हमारा प्लेट है, और जो बहुत सारे प्लेट मिल गए इन्हीं को एक नाम दे दिया गया है प्लेट टेक्टोनिक, इन्हीं को बोल दिया गया है प्लेट टेक्टोनिक। जैसे फुटबॉल छोटी छोटी पट्टियों से मिलकर बना होता है, वैसे ही उन्होंने बोल दिया कि हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्लेट सिद्धांत। और प्लेटें क्या होती है, हमारी प्लेटें हमारी क्या, महाद्वीपों के माध्यम से, द्वीपों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। जैसे हम फुटबॉल में सिलाई करते हैं ना, तो ये जो महाद्वीप और बाकी सारी चीज़ें हैं, ये किसका काम करती हैं, ये हमारी सिलाई का काम करती हैं। तो मतलब एक प्लेट को दूसरे प्लेट से बीच में क्या करती है, जोड़े रखती है। ठीक है, आपका ये होता है, आपका ये आता है प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की चीज़ें और बताता हूँ। नोट करिए जल्दी। ठीक है, आगे आते हैं।
ठीक। अब कुछ हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं कि वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, ठीक है। कुछ शब्दावली पढ़ते हैं आप टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी या फिर आप इसको बोल सकते हैं शब्दावली। सबसे पहला शब्दावली हम पढ़ते हैं कि सिस्मोलॉजी क्या होता है। सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं? सिस्मोलॉजी की हिंदी होती है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान किसे कहते हैं? तो भूकंप के बारे में अध्ययन करना तथा भूकंप के क्या क्या प्रभाव हैं, भूकंप के प्रभाव तथा भूकंप के बारे में जो अध्ययन करना होता है वो हमारा भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यह दो शब्दों से बना हुआ है, यह लगभग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सिस्मो प्लस लॉजी। लॉजी का सेंस होता है स्टडी, और सिस्मो या सिस्मिक का मतलब होता है अर्थक्वेक। आप यहां से कर सकते हैं स्टडी अबाउट अर्थक्वेक इस कार्ड सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान किसे कहते हैं? अर्थक्वेक के बारे में अध्ययन करना या अर्थक्वेक का जो हमारा इफेक्ट है उसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि फोकस है, फोकस को हिंदी में हम बोलते हैं, फोकस को हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्र बोलते हैं, ठीक है। सॉरी उद्गम बिंदु होता है, फोकस द्वारा होता है उद्गम बिंदु होता है। फोकस या फिर इसको हाइपर सेंटर कहते हैं या फिर इसको हाइपर सेंटर, ठीक है। उद्गम बिंदु, तो इसका एक हम डायग्राम बना देते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये हमारी क्या पृथ्वी की सतह है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ये हमारा कोई पॉइंट है, ये हमारा कोई पॉइंट है जहां पर जो हमारा अर्थक्वेक हुआ जनरेट। अगर इससे हम एक सीधी रेखा खींचे, ये हमारा जो पॉइंट कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है? हाइपोसेंटर। ये पॉइंट हमारा हाइपोसेंटर कहलाता है, जो यहां से यहां तक के बीच की दूरी होती है वो हमारी कहलाती है फोकल डेप्थ। ये जो हमारा पॉइंट होता है ये पिक सेंटर कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है? पिक सेंटर। ये हमारा पिक सेंटर कहलाता है, ठीक। और अगर हमारा कोई मकान या कोई बिल्डिंग हमारा यहाँ पर बना हुआ है तो इस अर्थक्वेक का जो इफेक्ट इस बिल्डिंग पे आता है उसके बीच की डिस्टेंस कहलाती है पिक सेंटर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमारी कहलाती है on earth surface.
ठीक है, ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे काम देखेंगे।